मेरे पापा करते थे इसको, अब पापा से मैं कर रहा हूँ और अब बच्चे कर रहे हैं। 35 से 40 साल हो गए लगभग। एक ठेले से चालू करा था, आज मालिक का शुक्र है इस मुकाम पे 3 दुकानें हैं। पहली बात है चिकन के अंदर जो है थाई का बोलने से इसके अंदर ये हमारा आ गया चिकन रसभरा, बिल्कुल अच्छे से गला हुआ, बिल्कुल ये देखिए बहुत आलू। आज आपको लेकर आए हैं जयपुर के रामगंज बाजार में गरीब नवाज होटल पर। यहाँ के ओनर रईस भाई से अभी हमने बात की, उन्होंने बताया तकरीबन 40 साल पुरानी ये दुकान है, उनके वालिद ने यहाँ पर काम शुरू किया था। पहले वो यहाँ पर बाहर ठेला लगाते थे, उस पर खाना बेचते थे, उसके बाद ये उन्होंने दुकान ली और यहाँ काम शुरू किया और आज यहाँ पर उनकी 3 दुकानें हैं। 2 दुकानें आप मेरे सामने देख रहे हैं और एक उधर है सामने, उसमें भी इनका सिटिंग है और काफ़ी नॉन वेज मुगलई वैरायटी काफ़ी दे रहे हैं। एक स्पेशल वैरायटी यहाँ लच्छा नहारी, लच्छा मटन नहारी है, जिसकी हम आपको मेकिंग भी दिखाएंगे और खाकर भी बताएंगे कैसा होता है। और एक स्पेशल वैरायटी इनका चिकन रसभरा यहाँ ये दे रहे हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, रईस भाई से बात भी करेंगे और देखेंगे क्या क्या वैरायटी यहाँ मिल रही है और कैसे बन रही है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अंदर चलते हैं, देखते हैं, आइए मेरे साथ। मेरे साथ हैं अभी गरीब नवाज होटल के ओनर रईस भाई और इनसे जानते हैं कि ये गरीब नवाज होटल का सफ़र कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और यहाँ क्या क्या वैरायटी दे रहे हैं। रईस भाई, मेरे पापा करते थे इसको, अब पापा से मैं कर रहा हूँ और अब बच्चे कर रहे हैं। 35 से 40 साल हो गए लगभग। मेरे पापा ने यहीं शुरू करा था, एक ठेले से चालू करा था, आज मालिक का शुक्र है इस मुकाम पे 3 दुकानें हैं। शुक्र है। और आपके बच्चे भी आपके साथ? बच्चे भी मेरे साथ कर रहे हैं। क्या वैरायटी दे रहे हैं? स्पेशल जो है हमारे लच्छा नारी है और चिकन मलाइसी कबाब है, चिकन तंगड़ी है, चिकन लच्छा नारी। नाम मैं पहली बार सुनो, क्या बताएंगे इसके बारे में, कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ होती है, कुछ स्पेशलिटी क्या होती है इसकी? स्पेशलिटी यही होती है, इसका जो बोनलेस जो होता है मटन, उसको काफ़ी देर तक पकाया जाता है और लगभग ये कम से कम 8 घंटे में तैयार होती है। बिल्कुल इसके गोश्त को गला देते हैं, उसका रेशा रेशा कर देते हैं पहले, फिर उसी से लच्छा बनता है। तो वो जो लच्छा होता है उसका एक एक लुकमे के अंदर एक टेस्ट आता है अलग। ये तो हमने ही स्टार्ट करी है। और एक चिकन रसभरा मैंने देखा, उसके बारे में बताएं। चिकन रसभरा जो है अमूल क्रीम और अमूल बटर से तैयार करा जाता है। पहले चिकन को रोस्ट किया जाता है, फिर उसके अंदर अमूल क्रीम और अमूल बटर डाला जाता है, वो चिकन रसभरा है। शुक्रिया रईस भाई, अभी हम आपकी ये सारी वैरायटी खाकर देखेंगे और उसका जायका दो लोगों को बताएंगे। शुक्रिया आपका टाइम। ठीक है, इंशाल्लाह। यहाँ एक स्पेशल वैरायटी लच्छा नहारी बना रहे हैं ये लोग। ये एक डिफरेंट वैरायटी जो मार्केट में नहीं मिलती है, लच्छा नहारी, मटन नहारी होती है ये। इसकी प्रिपरेशन चल रही है, ये बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है और अभी इनसे मालूम करते हैं कि ये किस तरह ही बनाते हैं, इसका प्रोसेस भी पूरा दिखाएंगे और भाई से मालूम करते हैं कि क्या क्या इसमें अभी डाला है, ये बताएंगे भाई जी। इसमें सबसे पहले तो तेल डाले हैं अपन, ठीक है, फिर इसके बाद प्याज भून किया है। अच्छा, उसके बाद लहसुन डालें। अच्छा, हमने गोर डाल दिया, लहसुन डाल के उसको पकाया कुछ खूब पकाए। अच्छा, थोड़ा उसके बाद गोश्त डाला इसमें, उसके बाद गोश्त डाला। अच्छा, उसके बाद गोश्त डालने के बाद थोड़ी देर पकाने के बाद हमने टमाटर डाले, टमाटर भी डाले। अच्छा, ये रहा टमाटर डाला हुआ है, दिखाओ उधर, उठा के दिखाओ। कितनी देर पकेगा ये? 4 घंटे। 4 घंटे तक इसको गोश्त गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त गलने के लिए जो राने के बोटे होते हैं उसको गला रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद जो है हमने
ऐसे नॉर्मल रोटी डालेंगे। अच्छा। उसको भी तीन चार घंटे पकाएंगे, पकाने के बाद तैयार होगा। अब इसमें है हल्दी है, मिर्चे है, धनिया है, अच्छा जो है बेसन है, अपन सब डाल के। बेसन डाल दिया किसमें? नहीं अभी बेसन डाले, डालेंगे। तो दोस्तों ये नहारी का प्रोसेस चल रहा है, लच्छा नहारी का। तो अभी आगे इसमें और क्या क्या डालेंगे और कब डालेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे और खाकर फिर इसका जायका भी बनाएंगे। एक खड़ा मसाला है, साबुत सब मिक्स है, सब मिक्स शराब। एक ही बार में नहीं, जल्दी चापे गला हुआ। सोप सोट काजरी अनारदाना सब मिक्स है जी। चलो अदरक अब इसकी थोड़ी भुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल रहे हैं ताकि ये गोश्त गल जाए। ये पिसा गरम मसाला डाल रहे हैं, ये अलग है इसमें जायफल जावत्री और इलायची, जायफल जावत्री इलायची दालचीनी भी डाल दिया। लोकेश बताइए क्या खा रहे हैं? तो नारी। नारी कैसी है? बहुत ही अल्टीमेट सर। पहली बार खाई है या पहले भी खा रहे हैं? अरे हर बार खाते हैं सर, खाते रहते हैं, यहीं का खाते हैं सर, और कहीं नहीं। अच्छा नारी खा रहे हैं? बिल्कुल सर। कैसी है? अल्टीमेट सर, यहाँ के जैसे कहीं मिलेगी नहीं पूरी जयपुर में आपको। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ खाते हैं सर? यहाँ का चिकन भी खाते हैं, बाकी सारी चीज़ें खाते हैं। और यहाँ पे जैसे जो वेराइटी जो यहाँ का एटमोसफियर है वहाँ का बहुत अच्छा है सर, प्लस यहाँ का जो अपना क्लाइमेट वगैरह है, बाकी अपना साफ़ सुथरा वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया है यहाँ के, हर चीज़ बिल्कुल आपको रिजनेबल रेट पर सारी चीज़ अच्छी मिलेगी आपको। बताओ भैया क्या है यार? ये मुर्गा हरा धनिया है। ठीक है, और इधर बताओ क्या है? ये चिकन कोरमा है। और आगे? ये चंगेजी चिकन। चंगेजी है? चंगेजी चिकन। और ये मिक्स सब्जी है, वेजिटेबल। और उस वो उधर? ये चिकन स्टू है। चिकन स्टू। और आगे? ये अंडे की अंडा करी। हाँ। और ये? ये दाल है। दाल है। वो मोटा भाई। हाँ हाँ।
ये मेरे साथ बैठे हैं रईस भाई। देखिए खानों का सबसे ख़ास बात ये होती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है कि खाना देखने में अच्छा होना चाहिए और खुशबूदार होना चाहिए। खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है। ये स्पेशल वैरायटी बताई थी, सबसे इनकी जो सिग्नेचर डिश है ये लच्छा नहारी है। ये मुर्ग हरा धनिया, ये दो ग्रेवी के आइटम लिए हैं। ये तो पेशावरी टिक्का है, ये भी इनका एक डिफरेंट वैरायटी जो मार्केट में यहाँ नहीं है। और एक ये चिकन रस भरा है, ये तो नाम से ही अलग दिख रहा है बिल्कुल। खाकर देखते हैं क्या वैरायटी और क्या जायका है। हाँ रईस भाई, आप बिस्मिल्लाह करिए, बताइए कि ये जो आपकी एक स्पेशल डिश है क्या है? ये लच्छा नारी है और ये हमने ईजाद करी है, और माशाल्लाह आप जब खाओगे तो इसे आप खुद बताओगे कि नहीं कोई नई चीज़ है। इसकी ग्रेवी जो है देखिए कितनी थिक हो गई है, और ये बिल्कुल, ये देखिए ये गोश्त से बनती है। गोश्त को अभी हमने बनते हुए भी दिखाया था कि इतना इसको गला देते हैं कि इसका ये रेशा रेशा हो गया, और इस गोश्त जो है बिल्कुल ग्रेवी में मिक्स हो गया है। इसका मतलब कि अगर आप इसकी ग्रेवी से भी खाएंगे और इसकी बोटी को अगर नहीं भी खाते हैं, सिर्फ ग्रेवी का भी एक एक बाइट लेंगे तो हर बाइट में आपको गोश्त का जायका मिलेगा। क्यों रईस भाई? बेशक। नहारी बहुत ही शानदार है, डिफरेंट है बिल्कुल। नहारी हमने दिल्ली में भी खाई है, नहारी हमने लखनऊ में भी खाई है, और हैदराबाद की भी नहारी ट्राई करी, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप लोग एक बार ज़रूर लच्छा नहारी इनकी ट्राई करें। बाकी खाने खा के भी अभी आपको बता देते हैं। ये है मुर्ग हरा धनिया, ये भी इनकी एक सिग्नेचर डिश है जो कि आमतौर पर यहाँ रामगंज में किसी रेस्टोरेंट में है नहीं। ये चिकन बोनलेस होता है और ग्रेवी के साथ है। शुरुआत आप करेंगे रईस भाई? अच्छा लीजिए, आप बताइए कि भाई ये स्पेशल डिश है आपकी, ये कैसे बनती है और क्या इसका जायका है? शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च में लाल वाली, हरी वाली, पीली वाली। अच्छा, वो सब मिक्स करके डालते हैं? सब मिक्स करके डालते हैं और इसमें स्टू के मसाले में तैयार किया जाता है। अच्छा, खड़े मसाले डालते हैं? खड़े मसाले डालते हैं टोटल। मुर्ग हरा धनिया। ये देखिए दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन बोनलेस है। टेस्ट बहुत ही शानदार है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स डाली है इन्होंने, और खड़े मसालों से बनता है। खड़े मसालों से हमेशा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खाने का। एक हम मसालों को पीस कर डालें और एक खड़े मसालों को हम ऐसे ही डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत आता है। इसमें मसालों बढ़िया आ रहा है। मुर्ग हरा धनिया भी इनका बहुत शानदार है, अल्टीमेट। तो ये भी दोस्तों इनकी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, पेशावरी टिक्का है। इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट वेराइटी यहाँ इंट्रोड्यूस किए, बटर और क्रीम में बिल्कुल नहाए हुए हैं। ये चिकन देखिए आप, बहुत अच्छे से कूके पका हुआ है बिल्कुल, क्योंकि क्रीम और बटर बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहा तो इसमें क्रीम और इस बटर का फ्लेवर आ रहा है, और मसाले बहुत अच्छे हैं। चिकन पेशावरी भी इनका शानदार है दोस्तों, मज़ा आ गया। और कुछ इसके बारे में बताइए। मलाई पहली बात है, चिकन के अंदर जो है थाई का बोनलेस है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, आमतौर पर लोग जो है इसमें सीने का बोनलेस लगाते हैं। हाँ, सिर्फ थाई का लगाते हैं, उसमें रेशा होता है बड़ा, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। और इसकी सॉफ्टनेस होती है, उससे इसमें सॉफ्टनेस होती है।
मसाले भी काफ़ी अच्छे से होता है। हाँ स्पाइसी तो है, मसाले काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। अच्छा जो नॉर्मल मलाई टिक्का होता है उससे कुछ डिफरेंट मसाले लगते होंगे ना, या जो जो चिकन रोस्टेड होता है अपना उससे अलग लगते हैं। बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये हमारा आ गया चिकन रसबरा। ये जब से मैंने इनका बोर्ड पर लिखा हुआ देखा था, जब से मेरी बहुत चाहती कि मैं इनका चिकन रसबरा ज़रूर ट्राई करूँ। तो ये देखिए कुछ देखने में अपने पेशावरी टिक्के से सिमिलर सा लग रहा है, वो बोनलेस था और ये विद बोन है। और ये देखिए आप सब पीसेस हैं इसमें और क्रीम और बटर फुल है। ये एक बाइट इसका मैं लेके बताता हूँ आपको। रज भाई आप भी लीजिए। तो ये थोड़ा माइल्ड है, ये थोड़ा मसाले इसमें कम है। पेशावरी जो था उसमें मसाले थोड़े तेज थे, ऐसे ही स्पाइसी होता है। ये मसालों का खाना खाना है तो आप इनका ये चिकन रसबरा ट्राई करें, बहुत ही शानदार है दोस्तों। खाना बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। डिफरेंट वैरायटी है और डिफरेंट जायका है। आप लोग गरीब नवाज होटल पर आएँ और इनका ये खाना, मज़े मज़े का खाना ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही शानदार है ये खाना। आप हम लोग खा लेते हैं उसके बाद आपसे फिर बात करेंगे। शुक्रिया। ये देखिए दोस्तों गोश्त भी देखिए आप, बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है बिल्कुल। बहुत आला। और समी भाई माशाल्लाह अच्छा ना रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है आपका, बताने की ज़रूरत नहीं ना, खुशबू इतनी अच्छी है माशाल्लाह। क्वालिटी बहुत बेस्ट क्वालिटी आपके आई है। नहारी के बारे में क्वालिटी में तो अपने आप जो भी आए अपनी फैमिली को लेकर आए, जगह बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया नहारी है, मज़ा आ गया। ऐसी नहारी कभी खाई नहीं, होटलों पे इससे बेस्ट नारी कहीं नहीं है। फ्रेंड्स ये थे अभी हम होटल गरीब नवाज पर और यहाँ का खाना हमने खाकर बताया। स्पेशल वैरायटी कुछ हमने यहाँ ट्राई की, इनका पेशावरी टिक्का और चिकन रसबरा काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी डिफरेंट जायका था। आप लोग आएँ और इनका खाना एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जायकेदार है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, शुक्रिया।